हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग TCS, ओके, TCS जो कि एक तरीके का टैक्स है, उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है टैली प्राइम में, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो नया सेक्शन है जो आपका TCS में अप्लाई करना है आपको, जो 1 अक्टूबर से लॉन्च हुआ था, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी आपको टेलीप्राइम से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर तैयार किया है और छोटा सा उसका डेफिनेशन लिखा है TCS के बारे में। जो न्यू सेक्शन आया था, ठीक है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से हमें अप्लाई करना था, ओके, कभी से अप्लाई करना था हमें 1 अक्टूबर 2020। जो सेक्शन था वो था 206C TCS। द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज द टैक्स पेबल बाय सेलर विच ही कलेक्ट फ्रॉम द बाय एट द टाइम ऑफ सेल। ये एक तरीके का टैक्स है जो सेलर को पे करना पड़ता है जब वो कोई गुड सेल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरी सेलर ऑफ गुड्स हु रिसीव कंसिडरेशन और एग्रीगेट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल कलेक्ट TCS 0.075% ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। ये जो थर्ड पैराग्राफ है, इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ईजिली वे में बताता हूँ। जो न्यू हमारा जो TCS का कॉन्सेप्ट आया है 206C1H, ओके, वो क्या बोलता है ना गाइस, कि फॉर एग्जांपल आपका टोटल खर्चा हो रहा है 7 लाख रुपीज़, ओके, कितना हो रहा है आपका, सॉरी 70 लाख रुपीज़, ठीक है, कितना हो रहा है 70 लाख रुपीज़। अब TCS की लिमिट है 50 लाख। कितनी लिमिट? 50 लाख। मतलब TCS का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 50 लाख की आपकी लिमिट है, उसके ऊपर जितना भी आपका खर्चा होगा उस पर आपको TCS 0.075% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 लाख आपका टोटल एक्सपेंस था, जिसमें से 70 लाख आपका टोटल एक्सपेंस था जिसपे 50 लाख की आपकी लिमिट थी। तो 50 लाख की लिमिट यानी एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 20 लाख, यानी आपको 20 लैक्स पे कितना कटेगा, 0.075%। ये आपका टैक्स लगेगा, कितने पे लगेगा, 20 लैक्स पे। क्यों 20 लैक्स पे? क्योंकि 50 लैक्स की लिमिट थी, उसके ऊपर आपने कितना एक्स्ट्रा किया, 20 लैक्स, तो इस पे आपका 0.075% लगेगा। तो इसको टैली में कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। तो टेलीप्राइम में सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसी वक्त आपको एक्टिवेशन का इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको GST को यस करके वहाँ पे GST टिन नंबर डाल के आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सेकंड आपको क्या करना है, TCS उसी के नीचे एक ऑप्शन आता है अनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको यस करना है, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और टैन डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर डालना है। ये आपको जब आप ओरिजिनल कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे को आपको जो डिटेल्स मिलेगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते के बाद आपको क्या करना है, आपको आपका जो स्टॉक आइटम है सबसे पहले, ठीक है, वो आपको क्रिएट करना रहता है, ठीक है। अब स्टॉक आइटम को क्रिएट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि TCS क्या है। अब वो आपका गुड्स पे लगता है तो उसका एक नेचर बनाना पड़ता है, ठीक है। TCS में हमेशा एक TCS नेचर ऑफ गुड्स का एक नेचर बनाना पड़ता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले TCS नेचर ऑफ गुड्स को क्रिएट करेंगे, ओके। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो TCS नेचर ऑफ गुड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारी डिटेल फिलअप करके रखा है। नाम मैंने यहाँ पे लिखा है टिम्बर, जो आपका स्टॉक आइटम का नाम होता है गाइस, वो आपको यहाँ पे लिखना रहता है। अच्छा, टिम्बर मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने एक एग्जाम्पल टिम्बर का लिया है TCS के लिए। टिम्बर क्या होता है गाइस, एक फॉरेस्ट लीफ है, जो जंगल में जो लकड़ी होती है जब उसको काटते हैं, ठीक है, और उसमें जो पाउडर निकलता है जो हम बिल्डिंग को एज अ रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिम्बर।
अगर आपका टैली जो लाइसेंस वर्जन है अगर रहेगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे एक हेल्पर का ऑप्शन आता है, जिसमें आप कोई भी जो लिस्ट रहती है TCS की, वो सारे आपको यहाँ पे गुड दिखाते हैं, और उसके बाद में उनका सेक्शन कोड आता है। लेकिन अगर आपका लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो आप ये फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन कोड मैंने यहाँ पे मैन्युअली मुझे लिखना पड़ा 206C, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो मैंने एजुकेशन वर्जन के हिसाब से यहाँ पे खुद से सेक्शन कोड डाल दिया है। पेमेंट कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आपको जो ओरिजिनल पेमेंट कोड और सेक्शन मिलेगा वो आपको आपको फिलअप करना होगा। विद पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे मैंने पैन कार्ड क्या डाला है, 0.075%, मतलब अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 0.075, अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या रहेगा, 1% कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो विद पैन कार्ड 0.075, विदाउट पैन कार्ड 1%। अब यहाँ पे गाइस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि 31 मार्च तक ही आपको ये एप्लीकेबल है 0.075, ठीक है। जैसे ही 31 मार्च कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट ये 1% कैलकुलेट होगा। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा ये कि 31 मार्च के बाद से आपको यहाँ पे 1% ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.075 ले लिया है, क्योंकि अभी मार्च मंथ तो निकल चुका है, तो आप यहाँ पे 1% डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने 0.075 डाल के विदाउट पैन कार्ड 1% डाल दिया है, और विद पैन कार्ड 0.74, यहाँ पे भी विदाउट पैन कार्ड 1% डाल दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रखना है, अगर यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट रखेंगे तो पूरे ट्रांजैक्शन पे TCS लग जाएगा, पर हमें जो TCS लगाना है वो 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट एक्सीड होगा उतने पे ही TCS लगाना है। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करना है, ठीक है, क्या प्रेस करना है आपको, Ctrl+I। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर डिटेल्स का ऑप्शन है, तो Ctrl+I आपको प्रेस करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे आपको ये डिटेल फिलअप करनी है। 1 अक्टूबर 2020 से आप TCS का ये जो नया सेक्शन है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेक्शन डालना है, यहाँ पे डालना है 206C जो नया सेक्शन है, यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा BL, ओके, और विथ पैन कार्ड 0.075 विदाउट 1%, और सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, और एंटर करके इसको आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे जाना है लेजर। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेजर बना के रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपको पार्टी लेजर बनाना है, जिससे जिसको आप बेचोगे तो अंडर आ जाएगा सन्ड्री डेटर, इस चीज सेल्स एप्लीकेबल येस, और यहाँ पे आपको लेना है इंडिविजुअल, कैसा उसका नेचर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे ले लिया है इंडिविजुअल, एंटर करना है, और यहाँ पे पैन कार्ड ये मैंडेटरी है गाइज, ये आपको डालना कंपलसरी है, ओके। यहाँ पे आपको ये पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है, ओके, एंटर करना, और इसको एंटर करने के साथ साथ आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट, इसको स्क्रीन को कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मोहन का लेजर क्या कर देना है, क्रिएट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेजर जो आपको बनाना है वो बनाना है सेल्स का, ये रहेगा अंडर सेल्स अकाउंट, GST एप्लीकेबल, सेटल्टन नो, गुड्स है ये, और TCS भी लगाना है, तो एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, टिम्बर, ठीक है। और इसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट जो लेजर आपको क्रिएट करना है वो करना है आपको CGST एंड SGST का। तो यहाँ पे CGST का लेजर बनाएंगे, सेम रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सी फॉर सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे आपको ये एप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टिम्बर लेते हुए आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और सेम सी का किस्म क्या बनाएंगे, SGST, यहाँ पे आपको SGST बनाना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेम GST, एस क्या रहेगा, स्टेट टैक्स, और यहाँ पे भी TCS एप्लीकेबल करके यहाँ पे टिम्बर लेके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर विल बी TCS, TCS लेना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आ जाएगा TCS, और यहाँ पे भी आपको क्या सेलेक्ट करना है, टिम्बर, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। एक बैंक का लेजर भी आपको बना के क्रिएट करके रखना है, यहाँ पे आप देख लेंगे बैंक ऑफ इंडिया, ये लेजर आपको क्रिएट करके रखना है अंडर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम, तो क्रिएट पे जाना है, और आपको जाना है स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बनाना है स्टॉक आइटम टिम्बर का, और उसका यूनिट्स आपको लेना है मेट्रिक टन, ठीक है,
आपको यूनिट्स क्या बनाना है, मेट्रिक टन्स। यूनिट्स ऑफ मेजर में आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये रहा यूनिट्स ऑफ मेजर मेट्रिक टन्स। यहाँ पे सिंबल में आपको डालना है एमटी और यहाँ पे आपको क्या डालना है, मेट्रिक टन्स। जो टिम्बर होता है उसका जो यूनिट्स होता है वो मेट्रिक टन्स होता है, इसलिए आपको मेट्रिक टन्स का ये यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करना है। ओके, तो हम थे स्टॉक आइटम में। तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर मैंने लिया मेट्रिक टन्स। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है और यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके आपको क्या सेलेक्ट करना है, टैक्स का रेट 18%। ओके, उसके बाद टीसीएस को भी एप्लीकेबल करना है और नीचे क्या लेना है आपको, टिम्बर। इतना सब कर लेने के बाद आपको जाना है सीधा गो टू अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको परचेज बिल क्रिएट करना है। ओके, ये परचेज बिल को क्रिएट करने से पहले गाइस आप लोग को कुछ सेटिंग्स है जो इसके अंदर आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ये बुक और पेन ले लीजिए और मेरे साथ से जो जो मैं सेटिंग्स आपको बोल रहा हूँ, किसी ऑप्शन को आपको येस करना है तो किसी को नो करना है, तो आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए कि क्या ऑप्शन को आपको येस करना रहेगा और क्या ऑप्शन को आपको नो करना रहेगा। तो यहाँ से आपको आप ऑप्शन देख सकते हैं F12, ये ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ये ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद आपको सबसे पहले एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे कि यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाइए यूज कॉमन लेजर फॉर आइटम्स एलोकेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन को आपको नो करना है, ठीक है। याद रखना आपको सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ठीक है, या यूज़ कॉमन लेजर जो भी आप में रहेगा। अगर टैली ERP 9 यूज़ करें तो यूज़ कॉमन लेजर रहेगा, और टैली प्राइम यूज़ करें तो सेलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन, ये ऑप्शन को नो करना है। ये ऑप्शन को नो करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपको जो येस करने हैं, दो ऑप्शन है जो आपको येस करने हैं, तो वो ऑप्शन आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन को आपको येस करना है। यहाँ पे शो टर्न ओवर फॉर सेलेक्टेड पार्टी अकाउंट, ये ऑप्शन को आपको येस करना है। ओके, ये ऑप्शन को येस करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, मॉडिफाई फॉर टैक्स डिटेल्स फॉर TCS, ये ऑप्शन को भी आपको येस करना है। तो ये तीन ऑप्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में आपको लेना है मिस्टर मोहन और ये एंटर को ये डिटेल को एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, मिस्टर मोहन लेने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम आपको क्या लेना है, टिम्बर। मैंने बिल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, मैं आपको डायरेक्ट शो करता हूँ। ओके, सी आपको पार्टी नेम में लेना है मिस्टर मोहन। ओके, ये डिटेल्स करना है, टिम्बर लेना है। टिम्बर लेने के बाद यहाँ पे आपको 6000 यहाँ पे डालना है और यहाँ पे डालना है 1000। तो देखो गाइस टोटल कितना हो गया, 60 लाख, कितना हो गया, 60 लाख। अब याद होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो TCS अप्लाई करना है, ठीक है, वो पूरे 60000 पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, आपका जो TCS का जो अमाउंट है वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 50 लाख्स की, ठीक है। अभी आपका टोटल कितना हो गया, 60 लाख्स। ओके, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी की है, 50 लाख्स की। ओके, तो कितना बच गया टोटल, 10 लाख्स, ठीक है। तो जो 10 लाख्स होगा आपका जो अमाउंट, उसी पे ही आपको TCS कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे एक सेल्स का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये सेल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप ये सेल्स के ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ गुड्स के टिम्बर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर समझो आपको TCS कैलकुलेट नहीं करना है तो यहाँ पे स्पेस बार दबा के नोट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हो। फिलहाल मुझे क्या लेना है, यहाँ पे टिम्बर, और यहाँ पे एक्सेसिबल वैल्यू में ही आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो करना है, वो आपको अमाउंट हटा के जो अमाउंट रहेगा आपका 60 लाख्स का, उसको चेंज करके 10 लाख्स करना है, क्योंकि आपको जो TCS अप्लाई करना है वो सिर्फ 10 लाख्स पे ही आपका 0.075% आपको कैलकुलेट करना है। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, और हाँ एक चीज़ का आपको और खास करके ध्यान रखना है कि आप अपना डेट 1 अक्टूबर लीजिएगा। 1 अक्टूबर से ही ये जो नया रूल है ये लागू हुआ है, इसलिए आपको डेट लेना है 1 अक्टूबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिया CGST, एंटर किया SGST, एंटर किया, और यहाँ पे हियर वी गो,
TCS 1560, ये एक एक्यूरेट अमाउंट आया है जो मुझे चाहिए था। अब ये कैसे आया है मैं आपको शो कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ कंट्रोल एन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन है आपका। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, ये है 60 और ये आपका टोटल मिला के 5,40,000 प्लस 5,40,000 10,80,000 यानी 70,80,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 70 लैक्स, ओके 80,000, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी ये कितना आया 70,80,000, ओके। अब जो 70,80,000 है तो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे कितना है, 50 लैक्स का। कितना है हमारा, 50 लैक्स का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस 50, 1, 2, 3, 4, 5, एंटर। कितना हो गया, 20,80,000। तो 20,80,000 का, ओके 20,80,000 का मुझे क्या करना है, इंटू 0.075%, एंटर। कितना आ रहा है, 1560। ये देखो गाइस हमारा आया ना करेक्ट आंसर, तो ये 1560 हमारा आया यानी हमारा आंसर करेक्ट है। आपको क्या करना है, आप सिंपली आपको इसको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेके तो उसका क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एरर आएगा आपको गाइस, ठीक है। ये जो एरर है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ई वे बिल है यहाँ पे आपको डिटेल्स इनका प्रोवाइड करना रहता है, ये सारी डिटेल्स। तो फिलहाल तो मैं उसको डाल ले रहा हूँ क्योंकि वो फिलहाल अभी डालने की जरूरत है नहीं। अभी तो एंटर करेंगे और सॉरी यहाँ पे आपको ओवर राइट प्रेस करना है गाइस। हाँ आपको इस तरीके इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको आ रहा है इसमें आपको ओवर राइट प्रेस करना है, ओ, ठीक है। आपको ओ प्रेस करना है, ओवर राइट, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे गाइस, इसका प्रिंट चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा और करंट लूँगा और इसका एक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे TCS का आपको ना डिटेल शो कराना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हो शो TCS डिटेल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन को येस कर देना है, ओके सॉरी ये जो TCS ऑप्शन है इसको आपको क्या कर देना है, यस कर देना है, ओके। जैसे आप इसको यस करेंगे और एंटर करेंगे, ओके इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपको ये प्रिंट पे क्लिक करना है, ओके। पहले प्रीव्यू भी डायरेक्ट देख सकते हैं प्रिंट से, अच्छा आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए और करंट लीजिए और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आप जूम कीजिए, आप जूम करेंगे तो यहाँ पे है व्यूअर जो हमको फाइनली करना है, तो हमारा हो चुका है। आप देख सकते हो कि TCS यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से अलग से यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे TCS इनकम टैक्स अलग से 0.075% 1560 भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। नीचे CGST SGST भी शो हो रहा है। ये जो 1560 है ये TCS आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे TCS आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है डी, ठीक है, डी फॉर डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स TCS रिपोर्ट, और यहाँ पे आपको जाना है फॉर्म 27EQ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस पेबल आपका दिखा रहा है 1560, ये आपका बैलेंस पेबल है जो आपको पे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पे आपको स्टैट पेमेंट्स ऑल्ट एस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको लेना है TCS, यहाँ पे हम डाल देंगे 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर, यहाँ पे डाल देंगे 1 अक्टूबर 206C टिम्बर ऑल आइटम्स रेसिडेंट, यहाँ पे ले लेंगे बैंक, और यहाँ पे आपको लेना है TCS, ठीक है। TCS लेने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अदर्स का, इस ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, ये अमाउंट डाल देना है 1560 और इसको एंटर करना है, और इसको एंटर करने के साथ साथ आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हो कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन एक एरर आया। अब ये एरर आया इसकी वजह से यहाँ पे मैंने अभी पे कर दिया तो भी यहाँ पे आपको बैलेंस टेबल दिखा रहा है, बल्कि टोटल पेड दिखाना चाहिए। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया, आपका जो BSR कोड होता है उसके बाद ब्रांच का नेम क्या होता है वो तो आपने मेंशन किया नहीं, इसलिए वो अपडेट हुआ नहीं। तो इस पे आपको एंटर करना है, यहाँ पे नीचे आपको आना है, यहाँ पे आप डाल दीजिए डिटेल्स आपकी और
जो जो डिटेल्स आपको जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। फिलहाल ये मैं डेमो के हिसाब से डिटेल्स डाल रहा हूँ, ओके। जब आप करेंगे तो आपको आपकी ओरिजिनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, समझे मैंने डाल दिया। अब इतना करने के बाद भी गाइस अभी हुआ नहीं, अभी एक स्टेप और है, क्योंकि यहाँ पे एक एरर आएगा, उसको सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे पेड बट नॉट लिंक विद टीसीएस कलेक्शन वाउचर, इस ऐसा एरर आएगा। बहुत सिंपल है, इस पर आपको एंटर करना है और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, वो बिल पिक करना है आपको जहाँ पे आपने एंट्री की थी, और यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करते साथ साथ आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एस्केप में हटा सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये टोटल अमाउंट हो चुका है पेड। आप देख सकते हैं 1560 आपका हो गया है पेड, और यहाँ पे जो एरर था आपका जा चुका है, अब यहाँ पे इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में आ चुका है। आप इस पे एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे इसका प्रिंट चेक कीजिए ऑल्ट पी से, और यहाँ पे करंट लेके आप इसका प्रीव्यू चेक कीजिए, तो यहाँ पे आपको TCS का ये करंट फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। आपने पे किया इनकम टैक्स 1560, पूरा फॉर्म है TCS का ओरिजिनल जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ओके ओके। सो ये था गाइस छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको TCS गवर्नमेंट को पे करना रहता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, और उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको आज के इस वीडियो में दी है। अगर आपको वीडियो में प्रैक्टिकल लाइव करने के बाद क्रिएट होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे सेक्शन कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करें, मैं उस डाउट को क्लियर ज़रूर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।